बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस अटैक कैसे करता है बॉडी पे। अब ये सवाल आपकी एसएसबी में जरूर पूछा जाएगा। अभी पोस्टपोन क्यों है आपकी एसएसबी? कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हो गया है पूरे देश में, जिसकी वजह से एसएसबी पोस्टपोन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एसएसबी आई आपकी, तो जीडी, पर्सनल इंटरव्यू और लेक्चरेट में ये टॉपिक जरूर आएगा, कोरोना वायरस किसी ना किसी फॉर्म में। कोरोना वायरस ने इकोनॉमी स्लो डाउन कैसे की, कोरोना वायरस ने महामारी फैलाई तो कैसे फैलाई, कोरोना वायरस की वजह से कौन कौन से सेक्टर को नुकसान हुआ, ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि ये सवाल एग्जैक्टली कैसे पूछा जाएगा और ज्यादातर चांसेस कैसे हैं। देखो, पहला सवाल पूछा जाएगा इस तरह कि अभी मान लो बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, कोरोना वायरस का लॉकडाउन खुल भी गया बट प्रॉब्लम तब भी कोरोना वायरस ही रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन एकदम से नहीं खुल जाएगा। अभी आपने न्यूज में सुना कि 15 अप्रैल में भी लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुलेगा और यही दिक्कत रहेगी। अगला सवाल जो जी टॉपिक में बनेगा वो ये बनेगा कि हमारे जो देश की ग्रोथ है वो डेंजरस कब होती है, उसकी हिंड्रेंस ग्रोथ की कब होती है। तो आपको वो चार ऑप्शन देगा, वो कहेगा पेंडेमिक, वॉर, सिविल वॉर, कम्युनल राइट्स या कुछ और। और ऐसा क्यों है, इनमें से कोई रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको समझाना है। तो आज हम बात करेंगे पेंडेमिक के बारे में। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और मैं यूट्यूबर हूँ सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में, और मैं आपके लिए रोज लेकर आऊंगा लेक्चरेट और जीडी टॉपिक शाम को 5 बजे, 6 बजे एंड 7 बजे अनअकैडमी शौर्य पे। अब यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और एसएसबी की तैयारी करना चाहें तो टॉप एजुकेटर्स आपकी मदद कर सकते हैं इसमें। अगर आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि रोमन साइंस आप मुझे जानते हैं, तो मेरा अनअकैडमी में बहुत नाम चलता है, तो मेरा नाम यूज करके आप 10% ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आगे बढ़े यहाँ पर, तो पहला सवाल बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में, वो है कोरोना वायरस। तो इस बारे में हम समझेंगे, इसका सोल्यूशन जानने के लिए पहले हमें इसकी जड़ समझनी पड़ेगी, कोरोना वायरस डेवलप होता कैसे है और ये पैंडेमिक बना कैसे, इस बात को हम समझेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत होती है एक नाम से, जिसका नाम है साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है भाई? स्टॉर्म से समझ में आता है कोई तूफान या भवंडर, और आज तक हमने तूफान भवंडर के नाम पर 4 नाम बहुत सुने हैं, बैरी, डोराइन, एमलेट, फर्नेट एंड वेरी फेमस कैटरीना। अब यहां से कहानी आती है दोबारा, साइटोकाइन स्टॉर्म क्या वो भवंडर है जो बाहर आता है? नहीं, वो भवंडर शरीर के अंदर आता है, और ये भवंडर किस चीज का है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप समझो कोरोना वायरस के केसेस हुए कितने हैं। अभी तक पूरे दुनिया में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो करीबन 13 लाख से ऊपर है, 13,50,000 से ऊपर है, और वो अभी बढ़ रहे हैं। डेथ टोल भी बढ़ रहा है, आप ये भी नोटिस करोगे रिकवर रेट भी बढ़ रहा है, और वो करीबन 3 लाख के आसपास हो गया है। अब यहाँ पर कहानी आ जाती है कि टॉप 3 देश जो यूएसए, स्पेन और इटली हैं, वो जो डेवलप नेशन होने के बावजूद भी इससे जूझ रहे हैं, तो कारण क्या बन रहा है ऐसा? देखो, न्यूयॉर्क टाइम का कहना है कि कोरोना वायरस के पेशेंट जो हैं वो अपने ही इम्यून सिस्टम के द्वारा धोखा खा रहे हैं। मतलब इम्यून सिस्टम के द्वारा, बात समझ नहीं आई। देखो, वेरियस स्टडीज आज के तारीख में कोरोना वायरस पे अवेलेबल कर ली गई हैं, कई साइंटिस्ट ने काम कर लिया है, कई डॉक्टर्स ने काम कर लिया। तो वो जो नोवल कोरोना वायरस था, कि एक नया कोरोना वायरस जिसके बारे में कुछ नहीं पता, अब उसके बारे में बहुत कुछ पता लग गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक शब्द होता है इम्यून सिस्टम। यहाँ पर आपने पढ़ा था, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक न्यूज बताई थी कि इम्यून सिस्टम हमें धोखा दे रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से जो पेशेंट सफर हो रहे हैं वो मर रहे हैं। इम्यून सिस्टम होता है आपकी बॉडी का चौकीदार, जो ये डिसाइड करता है कि शरीर में अगर कोई घुस के अंदर आ भी रहा है तो उसका क्या करना है, उसको मार देना है या लात मार के भगा देना है, और यही काम हो रहा है। पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, जो इम्यून सिस्टम है वही आपको मार दे रहा है। अभी जो इम्यून सिस्टम, जो चौकीदार था, सिक्योरिटी गार्ड था, वो हमारी बॉडी में हो गया साइटोकाइन। अब जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमारे मरने की वजह वो नहीं बनता, कोरोना वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है आपके थ्रोट में, आपके लंग्स में, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में समस्या आ सकती है, खांसी आ सकती है, छींक आ सकती है, बलगम आ सकता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपको टायर्डनेस हो सकती है, थकान हो सकती है, आपके काम में मन नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है, पर मौत नहीं आएगी। अब यहाँ से इंटरव्यूअर आपसे जब कोरोना वायरस के बारे में आप इतना बोल रहे हो तो आपसे टोक के पूछ लेगा, ये कोरोना वायरस को बोला जाता है COVID-19, कि आपको COVID-19 बीमारी हो गई है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये बेसिक सवाल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने दिमाग में याद रखा करो, ये ही आपको स्ट्रेस में ला देते हैं। अब आपने कहा सर COVID-19 बहुत लोगों को हो रहा है, नहीं पता COVID-19 क्या है, इतनी देर से बोले जा रहा है इंसान, पर ये नहीं पता कि COVID-19 क्या है, तो इंसान खुद ही डिप्रेस में हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखें जिससे स्ट्रेस डेवलप ना करें। इसके बाद आती है कहानी इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम में जो साइटोकाइन स्टॉर्म है, इसको डिटेल में समझने की जरूरत है।
अब है क्या इसमें, दो लोग, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है वुहान में जो एक इंस्टीट्यूट है, वो कहता है कि जब हमने 150 पेशेंट को एनालाइज किया तो हमें मरने की वजह सीओवीडी 19 मतलब कोरोना वायरस डिजीज नहीं मिली, वजह मिली थी यहाँ पर साइटोकाइन का स्टॉर्म। साइटोकाइन अब क्या होता है कि एक ऐसा हार्मोन होता है, जैसे हमें भूख लगी है खाना चाहिए, तो हमें हमारे पेट में केमिकल्स आके बताते हैं कि हमें खाना चाहिए, हमें भूख लगी है, पेट में कुछ पहुंचा नहीं है। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में कोई चीज अंदर घुस रही होती है तो साइटोकाइन आ जाते हैं सामने, और वो क्या करते हैं, वो मारना शुरू कर देते हैं किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को जो कि अननेसेसरी हमारी बॉडी के अंदर घुस रहा है। अब ये काम डेड सेल को मारने के लिए भी करते हैं और फॉल्टी सेल को मारने के लिए भी करते हैं, जो सेल मर चुके हैं या जो सेल अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं उनको मारने के लिए भी ये काम करते हैं। पर काम करते कैसे, काम वो काम करते हैं व्हाइट ब्लड सेल के द्वारा। व्हाइट ब्लड सेल को ये बताते हैं कि भाई तुम्हें अब क्या करना है, बैक्टीरिया वायरस जो आ रहे हैं उनको मारना है। तो साइटोकाइन क्या करता है, डब्ल्यूबीसी से मिलता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है और सारे डब्ल्यूबीसी को एक साथ इकट्ठा करता है। अब यहीं से एक सवाल बन जाता है सीडीएस एग्जाम के लिए कि डब्ल्यूबीसी के टाइप क्या है, क्योंकि सीडीएस सवाल वो उठाता है जो न्यूज में रहे हैं और डब्ल्यूबीसी आज न्यूज में रहा है। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट या ल्यूकोसाइट, स्पेलिंग में फर्क है तो भूलना मत, एक में के है एक में के नहीं है। और डब्ल्यूबीसी के पांच टाइप है, मोनोसाइट, कोजिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट। ये आपको याद होने चाहिए अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमें यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक बात बताया कि डब्ल्यू जो साइटोकाइन होता है वो प्रोड्यूस होता है वो डब्ल्यूबीसी को बताता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, बैक्टीरिया और वायरस को मार देता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है डब्ल्यूबीसी और साइटोकाइन में। ठीक है, अब जब सर्टेन फंक्शन करने के लिए साइटोकाइन प्रोड्यूस हो गया तो उसने उसे मार दिया। बट कभी कभार क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में बैठे थे, ठीक है, और बाहर से ना एक इंसान आपके घर में आके कूदने लगा, तो आप क्या करोगे, उसे आके रोकोगे, करेक्ट। बट अगर आप उसे रोक नहीं पा रहे हो तो आप क्या करोगे, जो घर के बाकी मेंबर उनको बुलाओगे। अब वो भी नहीं रोक पा रहे हैं तो आप क्या करोगे, और मेंबर्स को बुलाओगे, कोई दोस्त घर में बैठा होगा या कोई रिश्तेदार आया होगा उसको भी बुलाओगे, हमारी मदद करो। पर वो भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं, और इस रोकने के चक्कर में क्या हुआ, जो घर का दरवाजा था वो ही टूट गया। तो नुकसान किसका हुआ, आपका। सेम यही सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम के साथ पंगा ये हो रहा है कि जब साइटोकाइन, जिसकी जरूरत पड़ रही है बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए, वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर आ गया, जिसकी वजह से हम मर वायरस बैक्टीरिया से नहीं रहे, हम मर रहे हैं साइटोकाइन से, क्योंकि उसकी एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन हो चुकी है हमारी बॉडी के अंदर जितनी जरूरत नहीं थी, और ऊपर से वो उस वायरस और बैक्टीरिया को मार भी नहीं पा रहा। तो पहले जो हम खाली खांसी से परेशान हो रहे थे कि हमें इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही, खांसी हो रही, छींक हो रही है, अब हम सीधे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया था, वायरस है, उसे रोक नहीं पा रहा। अब वो इतना एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया है कि जिसकी उसकी जरूरत नहीं है, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारे लंग्स और थ्रोट में इतने अमाउंट में पहुंच गया है कि वो हमारे ऑक्सीजन लेने की क्षमता को खत्म कर देता है, और जिसकी वजह से हमारी मौत हो रही है। ये पूरी कहानी है कि साइटोकाइन हमें कैसे मार देता है। और जब साइटोकाइन बहुत लार्ज मात्रा में हमारी बॉडी में आ जाता है तो वो कहलाया जाता है साइटोकाइन स्टॉर्म, कि साइटोकाइन का तूफान आ गया है। साइटोकाइन की तस्वीर कुछ इस तरह से होती है, ब्लू राइक की जेली होती है, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, पर उसे प्रोटीन कहा जाता है, वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब यहां पर आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि वायरस हमें नहीं मार रहा, साइटोकाइन की एक्सेस अमाउंट हमें मार दे रही है, क्योंकि हमारे को ऑक्सीजन लेने में वहां पर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो वायरस अटैक कर रहा है वो लंग्स पे कर रहा है, और लंग्स में होनी चाहिए ऑक्सीजन और वहां हो रही है साइटोकाइन, तो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है साइटोकाइन, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हमारी मौत हो जा रही है। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो एक बात और देखी गई है कि जब साइटोकाइन का स्टॉर्म आता है तो 110% ये जरूरी नहीं है कि इंसान की मौत हो जाए। ऐसा हो सकता है उसको पेन हो रहा हो, ब्रीथिंग का इश्यू आ रहा हो, या एक्सट्रीम टायर्डनेस आ रही हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब आपकी आप अभी सांस रोक के बैठो सिर्फ दो चार मिनट तो मुश्किल हो गया, जितनी देर भी रोक सकते हो, तो आपको एहसास होगा, आपको सफोकेशन होगी, आपकी छाती में दर्द होने लगेगा, आपकी हार्ट बीट बहुत तेजी से चलने लगेगी, और वही चीजें हो रही थी। पर अगर इसको इंसान बर्दाश्त कर जाता है, या डॉक्टर्स की पिल्स या किसी तरह से उसे
उसे रोक पाता है, साइटोकाइन के फ्लो को रोक पाता है और कोरोना वायरस को भी बॉडी से दूर कर पाता है, तो डेथ को बचाया जा सकता है। साइटोकॉन स्टॉर्म को रोका जाए और सीओवीडी को बढ़ने से रोका जाए, उसका अफेक्शन फैलने से रोका जाए, तो डेथ बचाई जा सकती है। और यही कारण है कि आज की तारीख में 3 लाख करीबन पेशेंट रिकवर्ड हो गए हैं कोरोना वायरस से भी, और भी ऐसे केसेस में मिलते जा रहे हैं। अब इस कोरोना वायरस को और इफेक्टिवली लड़ने के लिए दो कंपनियां सबसे ज्यादा काम कर रही हैं। एक का नाम है नोवार्टिस, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो, मैं माफी चाहता हूँ, नोवार्टिस एंड इनसेक्ट। ये एक वायरस जकावी पे काम कर रहा है। जब इस वायरस को अगर ये टेस्ट कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो साइटोकाइन का जो स्टॉर्म है उसको भी वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएंगे। यहां तक की बात हो गई। अब जो मैंने आपसे अभी तक बात की वो तो थी साइटोकाइन के बारे में, पर यहां पर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। टॉपिक्स क्या है? रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। सोचिए, कोरोना वायरस की वजह से हमारी इकोनॉमी 2.5 जीडीपी पे पहुंच गई, पर यहां से उठेगी कैसे? हमारे मोदी जी ने कहा था हमें 2 डिजिट में अपनी इकोनॉमी लेकर आनी, मतलब 10% की ग्रोथ रेट लेकर आनी है, और इस 10% की ग्रोथ रेट से ही इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। तो कोरोना वायरस ने तो इसकी स्पीड बहुत ही धीरे कर दी है। उसके बाद अगला टॉपिक मैं आपके सामने लेना चाहूंगा, पेंडेमिक प्रिकॉशन फॉर फ्यूचर। आने वाले टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि महामारी फैले, तो सरकार को ऐसा क्या काम करना चाहिए और इंडिविजुअली ऐसा क्या काम करना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब अगला जो टॉपिक बनता है वो ये बनता है कि अब सुपर पावर कौन रहेगा, यूएसए या चाइना। यूएसए में डेथ रेट ज्यादा है और चाइना की वजह से कोरोना वायरस का जन्म हुआ है, तो दोनों में से सुपर पावर अब आने वाले फ्यूचर में कौन बनके खड़ा होगा। और चौथा है CANRC NPR। देखो, अगर ये कोरोना वायरस ना आता तो धरना जो था CANRC NPR के अगेंस्ट अभी भी कंटिन्यू रहता। तो ये जो चीज है ये आपसे एसएसबी में अभी पूछी जाएगी। इसके बाद निर्भया रेप केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई साल लग गए और अब जाकर फाइनली जस्टिस हुआ है, तो क्या जस्टिस डिलेड हुआ है? क्या वुमेन की प्रोटेक्शन का कोई महत्व नहीं है? क्या वुमेन की सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई महत्व नहीं है? इसके बाद राम मंदिर पे बात होगी। इस डिसीजन राइट, राम मंदिर बनाने का जो डिसीजन था क्या सही था? क्या जो मुसलमान हैं उनका जो मस्जिद टूटा था क्या वो सही था? तो ये आपका एक कम्युनल पोर्शन दिखाएगा, क्या आप बायस्ड हो एक रिलीजन के खिलाफ या आप एक सेक्युलर हो, तो उस बारे में हम बात करेंगे और आपका आंसर किस तरह से होना चाहिए जिससे वो एक सटीक जवाब दे सके इंटरव्यूअर ऑफिसर का उस बारे में। लास्ट है पॉल्यूशन। अभी क्या हुआ, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होने की वजह से पॉल्यूशन बहुत ही कम आया, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट ने बताया, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा। क्या इंसान एक राक्षस है? अगर उसको दुनिया से हटा दो तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये सारे टॉपिक हैं। अगर इनमें से कोई टॉपिक आप चाहते हैं पहले मैं लूं, तो हैशटैग वाशिंग करके कमेंट सेक्शन में बताएं, या आपके मन में कोई टॉपिक है तो वो मुझे बताएं, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे वहां पर डीएम कर सकते हैं, वहां पर हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फॉर श्योर मैं वो टॉपिक आपके सामने लेकर आऊंगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। वो है